चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस चैनल में सभी बच्चों का, सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन ये हम लोग कर रहे थे, जिसके दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसे आज हम शुरू करेंगे। ये वीडियोज आपके क्लास 12 बोर्ड्स और नीट दोनों पर्पस के लिए बनाए गए हैं, इसलिए वीडियो को वॉच कम्प्लीटली ज़रूर करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल सके। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन वॉच करें, ताकि और वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा की बायो क्लासेस। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। जीन्स एंड क्रोमोसोम्स हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था। उन्होंने जीन्स के बजाय जो नाम दिया था उसे नाम दिया था फैक्टर्स। फैक्टर्स नाम दे करके उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को बताया था कि किस तरह से ये इनहेरिट होते हैं। तो जीन मेंडल लॉ की रीडिस्कवरी हुई थी 3 साइंटिस्ट के द्वारा। उनके नेम लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़े होंगे और आपको याद होने भी चाहिए। उनकी रीडिस्कवरी 1900 में हुई। उनकी रीडिस्कवरी के बाद 2 साइंटिस्ट, वॉल्टर एस सटन जो अमेरिकन थे और टी बोवेरी जो जर्मन थे, उन्होंने एक थियोरी दी जिसका नाम है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कौन सी थ्योरी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपसे पूछा जाए किसने दिया, तो ये थे सटन एंड बवेरी इन 1903। उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम के बिहेवियर, और मेंडल ने जिसे फैक्टर कहा था, उनके बिहेवियर में काफी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। कैसे? क्रोमोसोम भी जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जैसे कि एलील्स। एलील्स जो होते हैं ना, फैक्टर्स के एलील्स, वो मेंडल ने बताया था कि पेयर्स में होते हैं। उसी तरह क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं। जो क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस के दौरान ये अलग हो जाते हैं। जिस तरह से एलील्स अलग हो जाते हैं मियोसिस के दौरान, उसी तरह से ये क्रोमोसोम्स भी मियोसिस के दौरान अलग हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। जैसे फैक्टर्स जो होते हैं इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, उसी तरह क्रोमोसोम्स भी एकदम इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं। मतलब कि कई पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है, या एक पेयर ऑफ एलील ये है, एक पेयर ऑफ एलील ये है जी भी। तो इनके सेपरेशन का और इनके सेपरेशन का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस होमोलोगस पेयर के सेपरेशन का और इस होमोलोगस पेयर के सेपरेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, जैसे कि एलील्स ए इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, बी भी इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, उसी तरह क्रोमोसोम्स भी इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। और ये पेयर्ड मियोसिस में ये अलग हो गए। और पेयर्ड कंडीशन में कब आते हैं फिर से? जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये वापस से पेयर्ड कंडीशन को रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एलील्स भी फर्टिलाइजेशन के दौरान पेयर कंडीशन में आ जाते हैं। फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स दोनों मेंटेन रहते हैं जेनरेशन से जेनरेशन से। ठीक है, एक जेनरेशन से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, फिर वो पेरेंट बन जाएगा फिर ऑफस्प्रिंग में। तो इस तरह से जेनरेशन टू जेनरेशन ये क्रोमोसोम्स या फैक्टर्स ये मेंटेन रहते हैं। तो इन बातों को जब देखा गया तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये क्रोमोसोम है ये मेंडल फैक्टर की तरह है। किस तरह से? कि ये पेयर में है,
और मेंडल फैक्टर की तरह ही क्रोमोसोम अलग भी हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली भी अलग हो रहे हैं एलील की तरह से, और ये रिस्टोर भी हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, जैसे एलील रिस्टोर होते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने बताया कि ये जो मेंडल फैक्टर है, ये मतलब क्या हुआ, ये मेंडल फैक्टर जो है वो क्रोमोसोम पर स्थित है। मेंडल फैक्टर जो बाद में जीन्स जिसे कहा गया, उन ये कहाँ पे प्रस्तुत है, ये प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स पे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ही कहता है कि जीन्स या क्रोमोसोम्स, जीन्स या फैक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। इस वजह से जो एलील का जो बिहेवियर होता है और क्रोमोसोम का बिहेवियर जो होता है वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, थॉमस हंट मॉर्गन और उनके स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया। उन्होंने इसे कंडक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म लिया वो थे फ्रूट फ्लाइज। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। इस पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, किसने किए, टीएच मॉर्गन ने। इन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों लिया, इसके कुछ रीजंस हैं ड्रोसोफिला को लेने के लिए, क्योंकि ये जो है वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर ये फ्लाई जो है वो ग्रो हो जाता था लेबोरेटरी में, इसलिए उन्होंने इसे यूज किया। इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2 वीक की लाइफ साइकिल है, इसे स्टडी करना ईजी है, बहुत ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ता है मेच्योरिटी के लिए, 2 वीक की ही लाइफ साइकिल है, तो इसलिए इसे लिया लिया जाता है। कोई भी आप रिसर्च पर्पस के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। लाइफ साइकिल अगर बहुत बड़ी होगी तो उसको हम नहीं लेते हैं रिसर्च पर्पस के, क्योंकि एक इंसान को बहुत वेट करना पड़ेगा ना, एक बार में एक्सपेरिमेंट करने पर तो काम चलता नहीं, आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं रिजल्ट पे आने के लिए। तो अगर एक लाइफ साइकिल 10 साल की हो गई या 20 साल की हो गई तो एक साइंटिस्ट कितने दिन तक वेट करेगा। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिए जाते हैं जिनकी लाइफ साइकिल छोटी हो। इसके अलावा ये बहुत ढेर सारे अंडे देते हैं, बहुत सारे एग देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोजेनीज निकलते हैं, जिससे कि स्टडी में मदद मिलती है। इनमें मेल और फीमेल फ्लाइज ये क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, और इनमें जो हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं, हेरिडिटरी वेरिएशन जैसे रेड कलर आई, वाइट कलर आई, विंग्स, ये सारे जो हैं ये हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं, इसको जो है बहुत मामूली माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज किया था टी एच मॉर्गन ने किस पे काम किया था, फ्रूट फ्लाई। क्यों काम किया था, क्योंकि ये सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर सकता है, लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2 वीक की है, बहुत ज़्यादा प्रोजेनीज बनाती हैं, क्लियर डिफ्रेंसिएशन है इनमें मेल और फीमेल फ्लाइज के बीच में, और जो हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं ये इनको आराम से देखने को मिल जाते हैं बहुत कम पावर के माइक्रोस्कोप के द्वारा ही, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिंकेज की। लिंकेज की डिस्कवरी किसने की थी, बैटसन और प्यूनेट ने, ठीक है। बैटसन और प्यूनेट ने किया था 1905 में इन स्वीट पी। जो हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी उसे कहते हैं कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, किससे एसोसिएटेड है आपको याद रखना है, बैटसन एंड प्यूनेट लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बवेल। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो दो जीन्स सेम पेरेंट्स, जैसे कोई दो जीन्स हैं जो मदर से आ रहे हैं या दो जीन्स हैं जो फादर से आ रहे हैं, सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं, वो इंटैक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। वो दे टेंड टू रिमेन टुगेदर, फॉलोइंग जनरेशंस में भी वो जुड़े रहना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कपलिंग। और दो जीन्स जो दूसरे दूसरे पेरेंट्स से आ रहे हैं, अलग अलग, एक मदर से आ रहा है एक फादर से आ रहा है,
ये दो जीन्स जो हैं वो प्रोजेनीज में ये सेपरेट रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिपल्शन। ओके, तो ये कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी ये दी थी बैटसन और क्यूनेट ने। टर्म लिंकेज दिया था मॉर्गन ने, मॉर्गन ने लिंकेज टर्म दिया था। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज मतलब कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो हैं, जो जीन्स एक पेरेंट से आ रहे हैं वो जुड़े रहना चाह रहे हैं, लिंक्ड हैं, इसी को हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है, अगर वो लिंक्ड नहीं है, दूसरा एलील उसकी जगह पे आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिकम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन का बनना क्या होगा? रिकम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है इस ये किसी गैमेट का, यहाँ पे ए जीन है और यहाँ पे बी जीन है, दूसरा पेरेंट है यहाँ पे कैपिटल ए है और यहाँ पे कैपिटल बी है, तो प्रोजेनी में हो सकता है कि प्रोजेनी में यही कॉम्बिनेशन रहे, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी ही रहे और कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही रहे। तो ये ए और बी मतलब क्या हुए? लिंक्ड हुए। लेकिन अगर रिकम्बिनेशन हो रहा है, मतलब ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो क्या बनेगा न्यू कॉम्बिनेशन? न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी इस क्रोमोसोम में, प्रोजेनी के क्रोमोसोम में। दूसरे प्रोजेनी में क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, तो मतलब इसमें रिकम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीन्स बहुत लिंक है, बहुत पास पास जब होंगे तो उनमें रिकम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे, जब जीन्स दूर दूर हैं तो उनमें रिकम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। लिंकेज, मॉर्गन ने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो होती है वो डिपेंड करती है कि जीन्स कितने दूरी पर है। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोजोम है, यहाँ पर ए जीन है, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ठीक है, ये जीन्स हैं, तो ए के करीब में बी है, बी के करीब में सी है, सी के करीब में डी जीन है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि फॉलोइंग जेनरेशन में ए और बी जो हैं वो लिंक्ड रहें, ए और बी लिंक्ड हैं, कल भी यहाँ से अगर रिकम्बिनेशन हो तो ए और बी लिंक्ड हैं क्योंकि ये पास हैं, लेकिन जो डी है ये दूर है यहाँ से, तो इनमें रिकम्बिनेशन का चांस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है या यहाँ से भी हो सकता है या बीच में और जीन्स हैं तो उनके बीच में से भी हो सकता है, जब डिस्टेंस ज़्यादा है दो जीन्स के बीच में तो क्या होगा? रिकम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन जब पास में है तो उनके बीच में से जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी तो रिकम्बिनेशन होगा, तो उसमें चांसेस कम होंगे। तो इन्होंने बताया कि जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड होती है कि दूरी कितनी है, ठीक है, तो ए और बी की लिंकेज स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी या बी और सी की ज़्यादा होगी या सी और डी, जिसकी दूरी मिनिमम होगी वो ज़्यादा लिंक्ड होंगे, उनकी स्ट्रेंथ लिंकेज की ज़्यादा होगी। और उन्होंने बताया है कि लिंकेज ग्रुप, ऑल द लिंकेज ग्रुप, जितने भी जीन्स लिंक्ड होते हैं एक सिंगल क्रोमोसोम में वो बनाते हैं एक एक, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है तो इस पे जितने जीन्स हैं, जितने जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं वो बनाया एक लिंकेज ग्रुप। ओके, एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स एक दूसरे से लिंक हैं, कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं या 5000 भी हो सकते हैं, जितने भी जीन्स एक दूसरे से लिंक हैं वो बनाएगा एक लिंकेज ग्रुप। तो कितने लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे? जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, उसका हैप्लॉयड नंबर जो होगा उतने लिंकेज ग्रुप होंगे उस ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एक क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में है ना, तो जैसा जैसे जीन्स इसमें प्रेजेंट है वैसे ही जीन्स इसके होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होंगे, तो जो होमोलोगस पेयर होता है उसका भी वही कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम एक पेयर का एक ग्रुप मानते हैं, ठीक है, एक पेयर का एक ग्रुप मानते हैं। तो कितने हो जाएंगे? जो भी जितने भी क्रोमोसोम नंबर हैं उसका
हाफ, ओके, उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में है कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है, तो कितने लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, 23 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। मेज में कितने हैं, 10 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, तो उसमें कितने लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, 10 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप का नंबर जो होता है वो क्रोमोजोम का हैप्लॉइड नंबर जो होता है वो लिंकेज ग्रुप का नंबर होता है। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मतलब कि जब जीन्स बहुत करीब करीब हों तो वो बार बार जेनरेशन टू जेनरेशन ये दोनों लिंक्ड ही चलते चले आएंगे, फादर से सन में, सन से फिर उसके सन में, तो ये जीन्स जो है वो लिंक्ड होकर ही जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन होंगे, या मदर से सन या डॉटर में होते हुए ये जीन्स जो है वो लिंक्ड हैं और वो पास ऑन होते जा रहे हैं जेनरेशन टू जेनरेशन। इनकम्प्लीट जीन जो होते हैं ये रिकम्बिनेशन के वजह से, जो जीन्स दूर होंगे वो रिकम्बिनेशन के वजह से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर के वजह से रिकम्बिनेशन के वजह सेपरेट हो जाएंगे और नेक्स्ट जेनरेशन में पास नहीं होंगे, लिंक्ड कंडीशन में पास नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अब डिटेक्शन ऑफ लिंकेज कैसे करते हैं, लिंकेज का डिटेक्शन करने के लिए जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं उसका टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे, हम होमोजाइगस रिसेसिव से उसका क्रॉस कराएंगे। जैसे कि हेट्रोजाइगस अगर इंडिविजुअल ये है कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, तो इसका हमें चेक करना है कि लिंकेज कितना है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव होमोजाइगस से। तो इसमें थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कंप्लीट लिंकेज हो ए और बी, जैसे कि क्रोमोसोम है इस पे ए जीन और बी जीन जो हैं वो कम्प्लीटली लिंक हो, मतलब ये नेक्स्ट जेनरेशन में इनका लिंकेज टूट नहीं रहा है, या पार्शियली लिंकेज हो। पार्शियल लिंकेज मतलब कि इसमें जो है वो कभी टूट भी सकता है और कभी टूट नहीं सकता है, या फिर ये नो लिंकेज हो, बहुत दूर दूर प्रेजेंट हो और जो भी इनके इनमें रिकम्बिनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो, अलग हो जाएंगे। तो कंप्लीट अगर हम ये क्रॉस कराते हैं तो इनके रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का लिंकेज है। अगर इस तरह के क्रॉस में हमें जितनी भी प्रोजेनीज मिलती हैं वो सारी ऐसी मिले, कैपिटल ए कैपिटल बी वाली और स्मॉल ए स्मॉल बी वाली, इन दो तरह की अगर प्रोजेनीज मिलती हैं, केवल इन दो तरह की प्रोजेनीज मिलती हैं, ठीक है, मतलब इनका जीनोटाइप या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, इसे क्रॉस करने पे यही जीनोटाइप मिल सकता है, ये और ये। अगर इस टाइप का जीनोटाइप है मतलब कि ये दोनों जीन्स जो हैं वो कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, मतलब ए और बी कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, ए और बी कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, जो कि नेक्स्ट जेनरेशन में ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट में भी कैपिटल ए बी जुड़े हुए थे, स्मॉल ए बी जुड़े हुए थे और डॉटर या प्रोजेनीज में भी इस तरह से जुड़े हुए हैं, मतलब कि कंप्लीट लिंकेज है। अगर प्रोजेनीज में फिनोटाइप इस तरह का हो कि चारों तरह के मिले हों, चारों तरह के मिले लेकिन कैपिटल ए बी 1/4 जितने भी, अगर हमारे 100 प्रोजेनीज बन रहे हैं तो 25 से ज़्यादा हो, 1/4 से ज़्यादा हो कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी 25 से ज़्यादा हो और स्मॉल ए कैपिटल डी 25 से कम हो, 1/4 से कम हो, कैपिटल ए स्मॉल बी 25 से कम हो, मतलब ये वाले कौन से हैं, ये रिकम्बिनेशन वाले हैं ना और ये लिंक्ड वाले हैं, मतलब इसमें लिंकेज कैसा है, पार्शियल लिंकेज है। लेकिन अगर ये वाले, ठीक है, बराबर हैं, ये चारों जो हैं कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, इन चारों का रेशियो 25-25-25-25 बराबर आता है, 1/4-1/4 आता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है, तो कभी रिकम्बिनेशन होगा कभी रिकम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में लिंकेज नहीं है।
तो इस तरह के रिजल्ट से हम पता कर सकते हैं कि दो जीन्स में किस टाइप का लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, पार्शियल लिंकेज है कि लिंकेज नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है लिंकेज का? लिंकेज का इम्पॉर्टेंस है कि ये पेरेंटल कैरेक्टर्स को टुगेदर होल्ड किए रहते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का उल्टा क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट बाय बिटवीन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम ये है, एक क्रोमोजोम ये है, ठीक है, ये मदर से आया, एक फादर से आया। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। अगर यहाँ पर ए जीन है, यहाँ बी जीन है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी है, क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, क्रॉस करेगा, ओवरलैप करेगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पर स्मॉल ए हो गया, यहाँ पे कैपिटल बी हो गया, और यहाँ पर कैपिटल ए हो गया, और यहाँ पे स्मॉल बी हो गया। मतलब इसका सेगमेंट इसमें जुड़ गया और इसका सेगमेंट इसमें जुड़ गया। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये रिकम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। दो क्रोमोसोम जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इस तरह से, जिसके वजह से रिकम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, टर्म क्रॉसिंग ओवर का भी टर्म, लिंकेज का टर्म, क्रॉसिंग ओवर का टर्म किसने दिया है? मॉर्गन ने। ये स्टेज इम्पॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर होती कब है? ये मियोसिस के फेकाई तीन स्टेज में स्टार्ट होती है और डिप्लोटीन स्टेज में ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है कि जैसे एक क्रोमोजोम ये है, इसमें दो क्रोमेटिड्स होंगे, एक क्रोमोजोम ये है, इसमें भी दो क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक है, अब दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं, इसमें अगर इसका एक पार्ट आकर के इससे जुड़ गया, एक कायस्मा फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसको ऐसे बना लेते हैं, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। ठीक है, और ये पार्ट इससे जुड़ा तो क्या हो जाएगा? तो इसमें यहाँ पे इससे जुड़ गया तो ये बन जाएगा, इस तरह का कुछ बनेगा। ये पार्ट और ठीक है, इस तरह का रिजल्ट हुआ तो यहां पर एक जगह पे ये टच कर रहा है तो इस तरह का रिजल्ट बना। इसे कहेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। एक क्रोमेटिड ही इन्वॉल्व है और एक कायस्मा फॉर्म होगा। एक कायस्मा मीन्स वन टच, उसको एक कायस्मा कहेंगे। तो एक क्रोमेटेड, दोनों के एक एक क्रोमेटेड ही इन्वॉल्व है और एक कायस्मा फॉर्म हो रहा है। डबल क्रॉसिंग ओवर में दो कायस्मा फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि ये यहाँ भी जुड़ जाए और ये अगर यहाँ भी जुड़ जाए तो दो कायस्मा फॉर्म होगा। तो दो कायस्मा फॉर्म के होने के लिए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, दो स्ट्रैंड मतलब एक इसका स्ट्रैंड और एक इसका स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो, जैसे कहेंगे टू स्ट्रैंडेड डबल कायस्मा, या फिर ये और ये इन्वॉल्व हो तो ये थ्री स्ट्रैंडेड डबल कायस्मा हो गया, या चारों स्ट्रैंडेड इन्वॉल्व हो, एक कायस्मा इन दोनों से मिल जाए और एक कायस्मा इन दोनों से बन जाए तो ये चारों स्ट्रैंडेड इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, जब दो से ज्यादा जगह टच हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, कायस्मा जब दो से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ये होता किस में है? जर्म सेल्स में ही क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, गैमेट्स में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, लेकिन सोमैटिक सेल्स में क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर किया गया था स्टर्न के द्वारा इन ड्रोसोफिला, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत
कम होती है सोमैटिक सेल्स में, या माइटोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस के दौरान जो रिकम्बिनेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसको डिस्कवर किया था स्टर्न ने इन ड्रोसोफिला। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, ये नए कैरेक्टर को जन्म देता है, ना कि फादर का कैरेक्टर ना कि मदर का कैरेक्टर, दोनों रिकम्बाइन हो जाते हैं जिससे कि ये नए कैरेक्टर को जन्म देता है। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी से हम क्रोमोसोम की मैपिंग भी करते हैं। क्रोमोसोम मैपिंग क्या होती है, मतलब कि जीन्स किस तरह से अरेंज है क्रोमोसोम्स पे या क्रोमेटिड्स पे, उसको पता करने के लिए भी क्रॉसिंग ओवर की जाती है। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉसिंग ओवर को वो है सेक्स, जो फीमेल्स में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होती है, एज, ओल्ड एज फीमेल में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, म्यूटेशन, टेम्परेचर, एक्सरे, ये सब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। सेंट्रोमियर रीजन और टीलोमियर जो क्रोमोसोम होते हैं उसका, जहाँ से काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होता है वो रीजन, ये सेंट्रोमियर रीजन, और जो किनारे के रीजन्स हैं टीलोमियर रीजन्स, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हमें रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब कि जितने भी प्रोजेनीज में जितने रिकम्बिनेंट टाइप के प्रोजेनीज हैं उनका नंबर, और जितने टोटल प्रोजेनीज बने हैं उसे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे। 1% अगर रिकम्बिनेशन है, 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि उन दोनों जीन्स के ए और बी अगर हम जीन्स मानते हैं, इनके बीच में रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी अगर 1% है, तो हम कहते हैं कि इन दोनों जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 centimorgan। 1% रिकम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 centimorgan, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 centimorgan। ह्यूमन बींग्स में 1 centimorgan लगभग 1 × 10^6 बेस पेयर्स के बराबर होता है, मतलब 1 centimorgan अगर डिफरेंस है तो इनके बीच में कितने बेस पेयर्स होंगे, 10^6 बेस पेयर्स होंगे। मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्टूटीवेंट, उन्होंने सजेस्ट किया कि फ्रीक्वेंसी, रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी से हम जो रिलेटिव डिस्टेंस है जीन्स का उसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि पेरेंट है ये और ये, गैमीट्स बनेंगे ये और ये, F1 प्रोजेनी में ये बनेगा, जो इसके F1 प्रोजेनी बन रही है इसका जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस करने से हमें पता चलता है, डिपेक्ट करते हैं कि कौन से जीन लिंक है कौन से नहीं है, तो टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमें ये चार टाइप की चार जीनोटाइप्स मिलेंगे। अगर इन चार जीनोटाइप्स में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ये हैं 160 ऑफस्प्रिंग्स इस जीनोटाइप का, 165 इस टाइप का, ये इस 36 इस टाइप के और 39 इस टाइप के, तो कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी ये कैसा है, पेरेंटल टाइप है। ठीक है, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी पेरेंटल टाइप है, स्मॉल ए बी स्मॉल ए बी ये कैसा है, ये भी पेरेंटल टाइप है, लेकिन कैपिटल ए बी, ये कैपिटल ए बी और कैपिटल ए बी यहाँ पे होगा, सॉरी जब ये इसे कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करेगा इससे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी बनेगा, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी पेरेंटल टाइप हो गया, स्मॉल ए बी ये भी पेरेंटल टाइप हो गया, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल बी ये कैसा हुआ, ये जो है रिकम्बिनेशन हुआ तो ये होगा ना, तो
ये कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कैसा होगा? रिकम्बिनेंट टाइप होगा। और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी क्या होगा? रिकम्बिनेंट टाइप होगा। तो ये ऑफस्प्रिंग हमें मिल गए। अब हमें रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स कितने आ रहे हैं? 36 प्लस 39, 75। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज 116 प्लस 165 प्लस 36 प्लस 39, ये हो जाएगी इतनी। इनटू 100 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 18.8 सेंटीमॉर्गन। मतलब कि ए और बी जीन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 18.8 सेंटीमॉर्गन। अगर इसे हम चेंज करें बेस पेयर्स में तो 18.8 इंटू 10^6 बेस पेयर्स इनके बीच की दूरी होगी, दोनों बीच के जीन्स के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, सीक्वेंस बताना है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर एक्सपेरिमेंट से कि सीक्वेंस क्या है जीन्स का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी, ये लिंक्ड जीन्स हैं, और जब इनका क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट कराया गया तो जो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी थी वो ये पाई गई। ए और बी के बीच में क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 8%, बी सी के बीच 8.5%, सी डी के बीच 18.5%, ए बी के बीच 16.5%, बी डी के बीच 10%। मतलब क्या हुआ कि ए बी के बीच की दूरी 8 सेंटीमॉर्गन, बी सी के बीच की दूरी 8.5, सी डी के बीच की दूरी 18.5 सेंटीमॉर्गन, ए बी के बीच की दूरी 16.5 सेंटीमॉर्गन और बी डी के बीच की दूरी 10 सेंटीमॉर्गन होगी। अब हम ए बी सी डी को सेट कैसे करें कि ये डिस्टेंस रहे। मान लेते हैं ए यहाँ है और बी यहाँ है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 8 सेंटीमॉर्गन हमने बना लिया। बी और सी के बीच की दूरी 8.5 बना लिया। सी और डी के बीच, सी और डी के बीच की दूरी हमने 18.5 बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है ए और सी, दिस वुड बी सी। अब कह रहा है कि ए और सी के बीच की दूरी 16.5 सेंटीमॉर्गन है, तो ए और सी के बीच की दूरी 16.5 हो गई, जोड़ेंगे तो बी और डी के बीच की दूरी 10 सेंटीमॉर्गन। अब हम बी और डी के बीच की दूरी तो कितनी हो जा रही है? 18 और 8, 26, 27 हो गई, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। अगर ये डी यहाँ के बजाय यहाँ हो, ठीक है, यहाँ के बजाय अगर ये डी यहाँ हो तो बी और डी, बी और डी के बीच की दूरी 10, 8 तो ये है, ए के बी की दूरी 8, दो इधर और बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगी? बी और डी की दूरी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा जीन्स का? डी ए बी, डी ए बी सी, ये जीन्स का सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो जीन मैपिंग से हम जीन के सीक्वेंस कैसे क्रोमोसोम्स में सीक्वेंस है वो हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से भी बताया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग, हैंकिंग नाम आता है यहाँ पे। हैंकिंग ने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया था स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, इसमें कुछ इंसेक्ट्स में पाया था, और उन्होंने बताया कि 50% स्पर्म्स जो होते हैं वो इस स्ट्रक्चर को पाते हैं और 50% स्पर्म्स जो होते हैं वो इस स्ट्रक्चर को नहीं पाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 50% स्पर्म जो होते हैं वो स्ट्रक्चर को पा जाते हैं और 50% स्ट्रक्चर्स को नहीं पाते हैं। बाद में इन्हीं स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी, क्योंकि एक्स वाई है तो 50% क्रोमोसोम, 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% क्रोमोसोम्स में वाई क्रोमोसोम होगा, मतलब एक्स नहीं होगा, ये न्यूक्लियस बॉडीज नहीं होंगी।
इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम्स को कहा गया एलोसोम्स, और बाकी जितने और क्रोमोसोम्स हैं उन्हें कहते हैं हम ऑटोसोम्स। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं एलोसोम्स दो होते हैं, और ऑटोसोम्स कितने होंगे? माइनस टू हो जाएगा, मतलब 2n-2 ये ऑटोसोम्स होंगे, और दो जो होंगे वो एलोसोम्स होंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 हैं, तो दो एलोसोम्स हो गए और 44 ऑटोसोम्स हो गए, मतलब कि 2n-2 मतलब 2 into 23 माइनस टू कितने होंगे? ऑटोसोम्स होंगे। ठीक है, मेल हेट्रोगैमिटी और फीमेल हेट्रोगैमिटी, बहुत जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है कि मेल्स हेट्रोगैमिट होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें फीमेल भी हेट्रोगैमिट होते हैं। मेल हेट्रोगैमिटी में टू टाइप्स के हैं। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह है, एक्स एक्स और एक्सो, एक्स एक्स जो होते हैं वो फीमेल होते हैं, और एक्सओ मतलब जिसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम हो, वाई की बात नहीं हो रही है अभी, जिसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम हो वो क्या होंगे? वो मेल होंगे। इस तरह की कंडीशन पाई जाती है ग्रास हॉपर में या स्क्वैश बग में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसका चार्ट बनाएं, क्रॉस कराएं, तो क्या होगा? ये फीमेल है और ये मेल है, क्रॉस होगा तो इन दोनों से क्या बनेगा? फीमेल। इन दोनों से क्या बनेगा? मेल। इन दोनों से क्या बनेगा? फीमेल। और इन दोनों से क्या बनेगा? मेल। ठीक है, तो दो एक्स हैं वो फीमेल है, जिसमें सिंगल एक्स है वो मेल है। दूसरी कंडीशन है एक्सेस एक्स वाई वाली, एक्स एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई मेल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन या ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट फीमेल हेट्रोगैमिटी, इसमें जो होती है वो फीमेल हेट्रोजाइगस होती हैं। एक्स जेड ओ और जेड जेड टाइप है पहला, जेड ओ ये फीमेल होगा और जेड जेड होमोजाइगस जो होगा ये मेल होगा। ये कंडीशन पाई जाती है मोटोक्योमिया में। नेक्स्ट जेड डब्ल्यू और जेड जेड, जेड डब्ल्यू ये हेट्रोजाइगस फीमेल होंगी और जेड जेड ये मेल होंगे। ये पाया जाता है बहुत सारे बर्ड्स में, कुछ फिशेज में, स्ट्रॉबेरी में, इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। तो आपको इसमें ये याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ये डिटरमाइन की गई थी ब्रिजेस के द्वारा इन ड्रोसोफिला के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। उन्होंने बताया कि ड्रोसोफिला में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ड्रोसोफिला है, उसका सेक्स क्या है। ये डिटरमाइन कौन क्या करता है? डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, जो इनका रेशियो है, जो रेशियो है किसका? एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स के नंबर का रेशियो। ये डिटरमाइन करता है कि सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला क्या होगा। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था? सीबी ब्रिजेस ने। इन्होंने बताया कि ड्रोसोफिला में एक एक्स क्रोमोसोम हो और कोई वाई क्रोमोसोम ना हो। ये कैसे होते हैं? स्टेराइल मेल, जिनमें नॉर्मल विजिबल सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो वाई क्रोमोसोम्स की जरूरत नहीं होती है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विजिबल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन फर्टिलिटी के लिए जरूरत है। ठीक है, वाई की जरूरत क्या है? वाई की जरूरत जो है वो फर्टिलिटी के लिए है, लेकिन जो विजिबल कैरेक्टर्स हैं, विजिबल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए वाई की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? एक्स अपॉन वाई रेशियो क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर जीनोटाइप ऐसा है, दो ऑटोसोम्स हैं और तीन एक्स क्रोमोसोम्स हैं,
या फिर दो ऑटोसोम्स हैं, तीन एक्स क्रोमोजोम एक वाई क्रोमोजोम है, या तीन ऑटोसोम्स हैं और चार एक्स क्रोमोजोम है। ठीक है, तो इसमें एक्स क्रोमोजोम कितने हो गए, तीन, ऑटोसोम्स दो हैं, या इस कंडीशन में एक्स क्रोमोजोम चार है और ऑटोसोम्स तीन है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स अपॉन ए रेशियो, एक्स अपॉन ए रेशियो निकालें इस कंडीशन में तो क्या आएगा 1.5, इस कंडीशन में निकालें तो 1.25। अगर एक्स अपॉन ए की वैल्यू एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो ऐसे ड्रोसोफिलास क्या होते हैं, सुपर फीमेल। ठीक है, सुपर फीमेल अगर एक्स की एक्स अपॉन ए की वैल्यू एक से ज्यादा है। इस टाइप का जीनोटाइप है, एक्स अपॉन ए हम निकालें, एक्स अपॉन ए फॉर्मूला से निकालें, तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू अगर वन आ रही है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा ठीक से, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, तो अगर एक्स अपॉन ए की वैल्यू वन आ रही है, एग्जैक्टली वन आ रही है, तो वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे नॉर्मल फीमेल। एक से ज्यादा है तो सुपर फीमेल, एक है तो नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू डिवाइड करने पर एक्स अपॉन ए की वैल्यू 0.5 से ज्यादा और एक से कम है तो ये कहलाते हैं, ये होते हैं इंटरसेक्स। अगर एक्स अपॉन ए की वैल्यू 0.5 आती है तो ये होते हैं नॉर्मल मेल। अगर 0.5 से भी कम आती है एक्स अपॉन ए की वैल्यू तो ये होते हैं सुपर मेल। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक्स अपॉन ए की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि विजिबल सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे हैं। वाई का यूज कहाँ पे है, फर्टिलिटी में है वाई क्रोमोसोम्स का, लेकिन विजिबल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए वाई का यूज नहीं है। अगर 0.5 से कम है तो सुपर मेल है, 0.5 है तो नॉर्मल मेल है, 0.5 और 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स है, 1 है तो नॉर्मल फीमेल है और 1 से ज्यादा है तो सुपर फीमेल है। तो ये थी जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। नेक्स्ट है टर्म गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। गाइनेंड्रोमॉर्फ्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी जो होती है वो आधी मेल की तरह होती है और आधी फीमेल की तरह होती है। ठीक है, उनका अपीयरेंस जो होता है आधा मेल जैसा होता है और आधा फीमेल की तरह होती है। ये इनको हम हर्माफ्रोडाइट नहीं कहते, हर्माफ्रोडाइट आपने पढ़ा होगा जो एनिमल्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है कि ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें गाइनेंड्रोमॉर्फ्स में ब्रीडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों, और इनमें अपीयरेंस इनका कैसा होता है, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। ड्रोसोफिला में ये प्रोड्यूस होते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो अगर एक साथ आ जा रहे हैं मियोसिस में, वो दोनों पोल्स पे सेपरेट नहीं हो रहे हैं। सिम्बियोसिस में क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम्स दोनों सेपरेट हो जाते हैं ना, दोनों पोल्स पे आ जाते हैं। अगर वो सेपरेट नहीं हो रहे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल पे आ गए और एक पे कुछ भी नहीं गया, तो उस कंडीशन में गाइनेंड्रोमॉर्फ्स बनते हैं। ठीक है, तो वन क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाएगा, एक क्रोमोसोम एक सेल में गया ही नहीं, और ये क्या बनाएंगे, मेल कैरेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, और जिसमें कि दोनों क्रोमोसोम्स चले गए दूसरे पार्ट में, बॉडी पार्ट दूसरे पोल्स में, तो वो क्या बनाएगा, वो जो बॉडी पार्ट बनाएगा वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक का बनाएगा। ठीक है, वो जो एक तरफ चले गए वो मेल कैरेक्टरिस्टिक बनाएगा, एक भी नहीं गया वो मेल कैरेक्टरिस्टिक बनाएगा, और जो दोनों ओर चले गए एक साइड में चले गए दोनों क्रोमोसोम्स, वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो एक ही बॉडी में दोनों कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। ओके, तो ये आज हमने पढ़ा है यहाँ तक का, आगे हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे दो लेक्चर्स और हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसको आप देखिएगा क्वेश्चंस भी कुछ पूछे गए हैं बीच बीच में, और कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपसे लगवाए भी जाएंगे।
तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, इस पोर्शन से बहुत से क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और अगर आपने कोर्स समझा हुआ है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपका अगर नहीं पढ़ा हुआ है ये पोर्शन तो आप इसमें गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और क्वेश्चंस इसके ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे आप फेस करते हैं तो आप वो क्वेश्चंस, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ही आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि अगर जो भी दिक्कत हो वो मैं आपकी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वंस अगेन, आपने मेरे चैनल को देखा, और जो भी मेरी छोटी सी फैमिली है सब्सक्राइबर्स की, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो वीडियोस को देखें और उनसे जो भी इनको अच्छा इनपुट मिल सकता है वो मिले, उनके लिए बेनिफिट हो। और अगर कोई कमेंट है या फिर अगर आप कुछ इसमें और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे भेजें, जिससे कि मैं और ज़्यादा अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक, थैंक यू, फिर से कहूँगी कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ 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 ऑनलाइन वॉच करें। थैंक यू।